अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग अपनी क्लास में गारंटी डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। हमने गारंटी टू अ पार्टनर सीखा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कभी कभार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है। वो गारंटी क्यों देता है? वो गारंटी इसलिए देता है ताकि वो जो उस पार्टनरशिप, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस है, उसका धंधा ग्रो करे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज हम इस गारंटी चैप्टर में और क्या नया सीखेंगे सर? तो मेरे दोस्त, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, गारंटी जो एक कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, गारंटी टू अ पार्टनर, पार्टनर को गारंटी दी किस चीज की? प्रॉफिट की गारंटी दी भाई साहब। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर को गारंटी देना, इसमें हम आपके साथ तीन चीजें डिस्कस करते हैं। टोटल तीन चीजें डिस्कस करते हैं। एक पार्टनर है, उस पार्टनर को जब गारंटी मिलती है तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ये जो कॉन्सेप्ट है, कल मैंने पूरा डिस्कस किया था, इसके अंदर तीन चीजें टोटल हमें डिस्कस करनी होती है आपके साथ। पहली चीज क्या होती है? जो गारंटी दी है वो किसी एक पार्टनर ने दी है। कल हमारे क्वेश्चन में जो फर्म थी उसके अंदर तीन पार्टनर थे, ए, बी और सी। एक नया पार्टनर डी आ रहा था, उसको गारंटी दी। किसने गारंटी दी? एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर ए ने। तो एक पार्टनर को गारंटी मिली, वो गारंटी किसने दी? वो गारंटी मेरे दोस्त दी एक पार्टनर ने। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रखे हैं कि गारंटी किसने दी? केवल एक पार्टनर ने गारंटी दी है। इस केस में सर ने लास्ट क्लास में क्या बताया था? देखो, अगर मेरे पास नोट्स पड़े हों तो मैं दिखाऊं, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था इसके अंदर। देखो, सारे बच्चे देखेंगे, ये देखो, सर ने लास्ट क्लास में बताया था, देखो, अरे खुल जा मेरे भाई, ये देखो, ये जो प्रॉफिट था 30 लाख रुपए का, सर ने पहले क्या किया था? ए, बी, सी, डी में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिया था। जो भी उनका रेशियो था, रेशियो इक्वल था, तो सबको 7 लाख 50 सर ने दे दिए थे। लेकिन डी को गारंटी मिली थी, और ये गारंटी किसने दी थी? बाय वन पार्टनर। और ये वन पार्टनर कौन था? वन पार्टनर था ए। तो इस केस में हमने क्या किया था? डेफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, डेफिशिएंसी, और डी में डेफिशिएंसी को ऐड कर दिया था, ए में से डेफिशिएंसी को माइनस कर दिया था। इसका मतलब ये जो डेफिशिएंसी है, जब भी गारंटी का क्वेश्चन होगा डेफिशिएंसी आती है। डेफिशिएंसी मतलब कि उसको जो गारंटेड प्रॉफिट था उतना नहीं मिला, तो वो डेफिशिएंसी थी। देखो, डेफिशिएंसी का सर ने क्या निकालने का तरीका बताया था? जो गारंटीड प्रॉफिट था, मतलब जितना उसको गारंटी मिली हुई थी 10 लाख रुपए की, और जितना उसका रेशियो के हिसाब से निकल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गारंटी होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था वो थी गारंटी बाय वन पार्टनर। अच्छा, और क्या क्या चीजें होती हैं सर इसके अंदर? एक मेरे दोस्त, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, गारंटी एक पार्टनर ने नहीं दी, गारंटी एक से ज्यादा पार्टनर ने दी। वो दो पार्टनर ने मिलके गारंटी दी, या तीन पार्टनर ने मिलके गारंटी दी। इस केस में जो डेफिशिएंसी आएगी, मान लो पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल लूं, तो उसमें ए, बी, सी, डी चार पार्टनर थे। डेफिशिएंसी जो डी को मिलनी थी वो केवल ए ने बॉन्ड करी। अगर डेफिशिएंसी गारंटी सारे पार्टनर ने मिलकर दिया, तो डेफिशिएंसी सारे पार्टनर बॉन्ड करते हैं। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बताना है। एक तीसरी चीज जो मुझे बतानी होती है वो होती है गारंटी किसने दी? फर्म ने दी। पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दी किसको? किसी पार्टनर को। तो आप ओवरव्यू समझ रहे हैं, ये गारंटी जो टॉपिक है इसके अंदर मुझे बस तीन चीजें डिस्कस करनी, जिसमें से एक मैं खत्म कर चुका हूं कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी। आज हम अपनी दूसरी चर्चा करेंगे कि गारंटी बाय अ फर्म।
अच्छा सारे पहले बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या आपने वो नोट्स डाउनलोड कर लिए जो हमने आपको नोट्स दिए थे, जो व्हाट्सएप नोट्स जिसे हम कहते हैं, वो डाउनलोड कर लिए क्या? वो अगर आप नोट्स देखोगे मेरे दोस्त, अगर मैं आपको वो नोट्स दिखाऊं, ये देखो उस नोट्स में हमने ये सब लिखवा रखा है, ये देखो कौन देता है गारंटी, ये आपके पेज नंबर 2 है नोट का, देखो ये अगर किसी कोई बच्चा न्यू देख रहा है तो मैं आपको बताऊं, वीडियो नंबर 20 जो हमारी है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं गारंटी टॉपिक के, ठीक है। तो ये देखो कौन देता है गारंटी, या कोई भी सिंगल पार्टनर, कोई सिंगल पार्टनर गारंटी देता है, या एक से ज्यादा पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी, ठीक है। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दी। ये सब नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं, हमने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए, आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसे नोटों का। व्हाट्सएप पे नोट रह जाते हैं तो कोई नहीं पढ़ाई करता, लास्ट में पढ़ाई में मजा तभी आएगा जब कॉपी में नोटेड होंगे। तो आप मेरी बात समझिए, कॉपी में इसको सबसे पहले नोटेड कीजिए आप, ठीक है। अच्छा आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, गारंटी दी है फर्म ने, गारंटी दी है फर्म ने। अच्छा सर, सर क्या होता है, सारे मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, तीन बंदे हैं ये देखो तीन बंदे हैं, इसका नाम है कालिया, ओ कालिया, इसकी आंखों पे पट्टी बांध दे क्या, ये पट्टी बांधा हुआ है आंखों पे, ये कालिया है, कालिया डाकू, डाकू कालिया। ये दूसरा है ये भी पार्टनर है। इसका नाम जानना चाहोगे, इसको थोड़ा गुस्से वाला बनाया है, जानवर जैसे, राक्षस जैसा, ये है गब्बर सिंह। ओ गब्बर किंग लिख गया तो ये सिंह है, सिंह इज किंग, गब्बर सिंह, ठीक। एक तीसरा इंटेलिजेंट है, तीसरे के चश्मा बना दे, एक चश्मा इंटेलिजेंट, थोड़ा लगना चाहिए ना इंटेलिजेंट, तीसरा इंटेलिजेंट है, तेज मस्तिष्क, इसका नाम क्या रखें, ये तेज है, इसका नाम क्या रखें, सारे बताओ, तेज है, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रख दिया गुड्डू याद, इसका नाम जेठालाल, सारे बोलो इसका नाम क्या, जो तेज है इसका नाम है जेठालाल, ओ जेठालाल है इसका नाम, जेठालाल। ये तीन पार्टनर है मेरे दोस्त, जेठालाल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन तीनों लोग मिला के बताए क्या बिजनेस करते हैं, सारे बोलेंगे क्या बिजनेस करते हैं, क्या आप जानना चाहते हो क्या बिजनेस करते हैं, सारे बोलो क्या बिजनेस करते हैं, इनकी क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी है। ओ क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी है, ये क्रिकेट के बैट बनाते हैं क्या, सारे बच्चे बताओ क्या कभी इस कंपनी का नाम सुना है, एस एस के बैट आते हैं, अभी भी आते हैं SS के बैट, SS के बैट आते हैं। अच्छा बैटों में भी विलो सुनी होगी कई बच्चों ने, एक होती है कश्मीरी विलो, वो होती है कश्मीरी लकड़ी, एक होती है इंग्लिश विलो, वो होती है ब्रिटिश लकड़ी, क्या आपने, सबको पता होगा, मेरे बच्चे क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। तो ये बैट बनाते हैं ये तीनों। अच्छा तो मेरे दोस्त पता है ये जो जेठालाल है, जेठालाल इंडियन टीम के सारे क्रिकेटर्स को जानता है, इंडियन टीम के सारे क्रिकेटर को जानता है, कौन जानता है सारे क्रिकेटर को इंडियन टीम के, बताओ कालिया जानता है क्या, गब्बर सिंह जानता है क्या, जेठालाल जानता है क्या, हाँ भाई हाँ जेठालाल जानता है, सबको जानता है, धोनी को, विराट को, और नहीं तो कौन कौन है, जसप्रीत बुमराह को, सबको जानता है जेठालाल।
पता है, क्योंकि जेठालाल सबको जानता है, तो इंडियन टीम के सारे क्रिकेटर बैट पता है कहाँ से खरीदते हैं, इन तीनों की दुकान से खरीदते हैं। इन तीनों की दुकान का नाम पता है क्या है, एस एस स्पोर्ट्स है। मान लो ना एस एस स्पोर्ट्स नाम है, सारे क्रिकेटर बैट यहीं से खरीदते हैं। अब क्या हुआ, अचानक से जेठालाल के मन में एक विचार आया, जेठालाल की शक्ल दोबारा से बनाए। जेठालाल कुछ सोच रहा है, चिंतित है जेठालाल, ये कुछ सोच रहा है। देखो बादल बनाते हैं हम, ये कुछ सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। देखो ये है वो जेठालाल, ये कुछ सोच रहा है, सोच रहा है। ये बताए क्या सोच रहा है, किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सोच रहा है यार, सब लोगों को तो मैं जानता हूं, इंडियन क्रिकेट की पूरी टीम को मैं जानता हूं, तो मैं इन दोनों के साथ बिजनेस क्यों कर रहा हूं। मैं अकेला बिजनेस करता हूं, अकेला करूंगा तो जो प्रॉफिट आएगा सारा मेरा हो जाएगा। जेठालाल का शैतानी दिमाग चल रहा है। जेठालाल कह रहा है ए, और ये जो गब्बर सिंह है और ये दूसरा पार्टनर है कालिया, ये जाए तेल लेने, मैं यहाँ से हट जाऊंगा, इस पार्टनरशिप फॉर्म से मैं अकेला बिजनेस करूंगा। ये जेठालाल सोच रहा है, इसका शैतानी दिमाग काम कर रहा है, शैतानी दिमाग काम कर रहा है। अचानक से ये खबर पहुंचती है किसको, कालिया को। कालिया खून में गुस्से वाला लाल, कालिया खूने नहीं समारा। देखो कालिया, कालिया 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 आता है भागते भागते। ये है कालिया, गुस्से से लाल है कालिया। ये देखो लाली कर दी हमने, ये गुस्से से लाल है कालिया। ये आता है इसके पास, गुस्से में है कालिया। ये कालिया, कालिया आता है किसके पास, जेठा के पास, साथ में गब्बर को भी लेके आता है। गब्बर तो भाई साहब पिस्टल ले आया, गब्बर तो बंदूक ले आया उड़ाने के लिए। किसको उड़ाने के लिए, जेठालाल को उड़ाने के लिए। ये देखो ये गन ले आया। मेरी बात मेरे बच्चे ध्यान से समझना, इन दोनों ने जेठालाल से कहा, भाई जेठालाल तू हमारे साथ का बंदा था, कहां तू अकेला काम कर रहा है, भूल गया तू दोस्ती, हमारी दोस्ती की कसमें खाई जाती थी, आज तू जेठालाल अलग हो रहा है। जेठालाल इमोशनल हो चुका है, जेठालाल दोस्तों की बातों में आ चुका है। जेठालाल कह रहा है नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा छोड़ के। जो बंदा सोच रहा था कि फॉर्म छोड़ने का, अब वो नहीं छोड़ रहा। लेकिन कालिया और गब्बर सिंह ने, पता है जेठालाल, कालिया और गब्बर सिंह को क्या जरूरत है जेठालाल की, पहले बताओ, सारे बताओ, क्या कालिया और गब्बर सिंह को जरूरत है जेठालाल की, सारे बोलो हाँ कि ना। अरे जेठालाल चला जाएगा ना तो ये दोनों तो कंगाल हो जाएंगे, उन दोनों को जरूरत है जेठालाल की। तो पता है क्या डिसाइड होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई जेठालाल जो भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी, जो भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी, सबसे पहले तुझे 3 लाख रुपए उसमें से दिए जाएंगे। ओ माई गॉड, पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी 3 लाख रुपए उसमें से तेरे, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना बटने के लिए, पहले पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉफिट आता है। देखो ये प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से बड़ी सारी चीजें बटती हैं, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, जितना भी ये डिविजिबल प्रॉफिट आया उसमें से 3 लाख रुपए तेरे। बताओ ये 3 लाख की गारंटी मिली किसको, सारे बोलो किसको गारंटी मिली, सारे जल्दी से फटाफट बताओ किसको गारंटी मिली, जेठालाल को मिली। क्या किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है, क्या किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है, द आंसर इज नो, कोई पर्टिकुलर पार्टनर ने नहीं दी। ये गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। सर सर हम कैसे समझेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है, मेरे बच्चे जब भी क्वेश्चन कहेगा किसी पार्टनर को गारंटी मिली है, बट वो ये नहीं कहेगा कि किसने दी है, तो आप समझ जाना अगर कोई भी नाम नहीं लिखा तो गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके जरिए आपको बात समझाता हूँ। देखो मेरे दोस्त,
ये रहा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, देखो ए बी एंड सी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 रिस्पेक्टिवली, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सी शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन 7,500। पार्टनरशिप फर्म ने सी को कहा तेरे को किसी भी टाइम किसी भी साल में 7,500 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, किसी भी साल में 7,500 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो फिर से देखो, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस किसी भी केस में सी शेयर इन प्रॉफिट सी का प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 7,500, सी का प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होगा। अच्छा पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट, अच्छा क्या यहां पे ये लिखा है, सारे दोस्त बताओ पहले क्या कहीं भी लिखा है कि ये जो 7,500 का गारंटी मिली हुई है किसको गारंटी मिली है, सी को, क्या लिखा हुआ है, क्या किसने दिया, ए ने बी ने कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा ना, तो ये गारंटी किसने दी है, ये गारंटी फर्म ने दी है। जहां पे पार्टनर चुप हो जाते हैं वहां फर्म शुरू हो जाती है, वो कहते हैं ना जहां पुलिस वालों की सोच बंद होती है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। आह तो अगर क्वेश्चन में ए और किसी पार्टनर का जिक्र नहीं है कि गारंटी किसने दी है, तो ऑलवेज अज्यूम कि गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। ये हमने आपके नोट्स में भी लिखवा रखा है, ये देखो अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं ना, मैं आपको दिखाऊं अगर जरा नोट्स में, तो ये जो आपका फिफ्थ पेज था मे बी आई थिंक, अगर मैं आपको दिखा पाऊं जरा, ये देखो फिफ्थ पेज आपके नोट्स का जो फिफ्थ पेज है उस पे हमने ये लिखवा रखा है। ये देखो आप इसको मेरे दोस्त ऐसे, ये देखो आप इसको ना घर पे पढ़ा करो, ये देखो फिफ्थ पेज किस चीज का है, गारंटी किसने दी है, फॉर्म ने। इस क्या लिखा है देखो, इस केस में हम जो भी पीएनएल आएगा जिसका एप्रोप्रिएशन होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सबसे पहले ये अभी ये तो स्टेप लिखे हैं, अभी आपको मैं सिखा दूंगा स्टेप। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यहां पे हमने लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा कि गारंटी किस पार्टनर ने दी है, तो ऑलवेज अज्यूम करना कि गारंटी किसने दी है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, 31,500। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन, आपको प्रॉफिट का बंटवारा दिखाना है। ठीक है, वो कह रहा है बंटवारा अमंग्स द पार्टनर, कहता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। चलो ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। देखो मेरे दोस्त ये देखो, सबसे पहले मुझे बात बताओ पार्टनरशिप फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 31,500। पार्टनर कितने हैं, ए बी और सी, क्या रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ 4:2:1 ये रेशियो है, 4:2:1। देखो गारंटी अगर पार्टनरशिप फर्म ने दी है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
जो भी फॉर्म का प्रॉफिट आया, फॉर्म को सबसे पहले अभी हमने जो केस डिस्कस किया था, जेठालाल वाला, जेठालाल, कालिया, गब्बर सिंह, क्या वादा किया था गब्बर सिंह और कालिया ने, जो भी फॉर्म का प्रॉफिट आएगा सबसे पहले तुझे कुछ शेयर मिलेगा। तो अगर गारंटी फॉर्म ने दी है तो इस केस में जो भी प्रॉफिट आया सबसे पहले सी को इसमें से माइनस कर दो। सी को कितना मिलेगा, सारे दोस्त बताओ सी को कितनी गारंटी है, 7500 की गारंटी है। सी को 7500 की गारंटी है। अगर टोटल प्रॉफिट 31500 हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट वैसे तो ए बी सी तीनों का था, लेकिन सी को फर्म ने गारंटी दे रखी थी कि मैं तुझे 7500 दूंगी, तो फर्म ने जो भी कमाए उसमें से 7500 पहले अलग कर दिए। ये अलग किसके लिए करे, सी के लिए अलग करे। अच्छा, अलग करने के बाद क्या मेरे दोस्त बता देंगे कितना बैलेंसिंग फिगर आएगी? अगर 31500 में से मैंने माइनस कर दिया 7500 तो कितनी आएगी, 24000। अच्छा, सी को कितना मिल जाएगा, सी को मेरे दोस्त मिल जाएगा 7500, क्योंकि सी को गारंटी कितने की थी, 7500 की, हमने उसको दे दिया। अच्छा, ये जो 24000 है ये किस में बटेगा, अब ए और बी में बटेगा। अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म गारंटी देती है किसको, किसी भी पार्टनर को, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, जो पार्टनर को गारंटी मिली हुई है, सपोज बी को गारंटी मिली होती 10000 रुपए की, तो 31500 में से 10000 माइनस कर देते और वो बी को दे देते। अब कितना बचता, जो बचता वो ए और सी में बटता। तो पार्टनर का नाम क्वेश्चन में गिवन होता है और लिखा होता है कितनी गारंटी मिली है उसको, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया सी को कितनी गारंटी मिली हुई है, वो सी को दे दिया, बाकी जो है वो ए और बी में बटेगा। लेकिन ए और बी में किस रेशियो में बटेगा, क्योंकि ए बी सी तीनों का रेशियो तो है 4:2:1। अब क्या सी को कुछ मिलेगा, सी को तो दे दिया फॉर्म ने, सी को गारंटी क्या थी कि देखो 7500 दे देंगे, दे दिया। अब बचे कौन, ए और बी। अब इसमें से जो भी रेशो सी का है वो हटा दो, 4:2:1 रेशो था ना, 1 को कट्टा मार दो, अब रेशो क्या हो गया, 4:2 हो गया। तो ये जो 24000 आया है, ये जो 24000 आया है मेरे दोस्त, ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, 4:2 मींस 4/6, 24000 × 2/6। तो क्या सारे बच्चे प्लस करके बता देंगे, डिवाइडेड बाय 6 × 4, ये आया 16000। और ये कितना आएगा मेरे दोस्त, 24000 / 6 × 2, ये आएगा मेरे दोस्त 8000। क्या आपको बात समझ आ रही है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को तो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी आज देना चाहूंगा, हालांकि ये होमवर्क जो है ये आप कर पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन आधारित है कल के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का ही क्वेश्चन है ये भी, तो ये आप टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन में अनसॉल्व में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 भी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का ही था, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अभी हम नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छा खासा गुड क्वेश्चन है तो ये मैं ही कराऊंगा, तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 ही बस, ठीक है। अच्छा चलो, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, और इस गारंटी का एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर गारंटी एक से ज्यादा पार्टनर ने दी है, फॉर्म ने नहीं दी, एक से ज्यादा पार्टनर ने, अगली क्लास में करते हैं। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बड़ा ही आसान टॉपिक, और बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए, सीखना बंद तो जीतना बंद।